बाकी यूट्यूबर लोग कितना कमाते हैं हमसे पूछेगा, उस हम सुने हैं हम। नमस्कार, मैं अभिषेक गोस्वामी गोपालगंज से, और हम नहीं है भैया है। हाँ, तो अभी हम लोग जा रहे हैं भैया के एक मित्र हैं, दोस्त हैं, और एक बड़े जाने माने यूट्यूबर भी हैं, ब्लॉग बनाते हैं वो भी। तो वो गोपालगंज जाए हुए हैं और हमें लगता है कि इसके बाद वो फिर कभी गोपालगंज जाने का ये हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग बोले थे कि 4 घंटा लगेगा पटना से आने में, 3 से 4 घंटा, और लगभग 6-7 घंटा नहीं, एक्चुअली है ना कि गोपालगंज से पटना से गोपालगंज 160 किलोमीटर है। हाँ, लेकिन मेन रूट नहीं है इसलिए टाइम लग जाता है। अगर 4 घंटा सही से माना जाए, 160 किलोमीटर सही में माना जाए तो 3 से 4 घंटे का रास्ता है, लेकिन रोड सही नहीं होने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो गया और टाइम काफी ज्यादा लग गया। 8 बजे सुबह से निकले हुए हैं और अभी 3:15 होने वाले हैं, तो अभी हम पहुंचे हुए हैं, मिलवाते हैं उनसे। बिल्कुल, और हम हैं अभिषेक भैया, पीछे मनन भी है और मनीष जी हैं। और एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार, हम सभी का क्या, और आप सभी का नए ब्लॉग में स्वागत है हमारे। काफी दिनों से आपसे भी देख रहे हैं, नया कोई ब्लॉग वीडियो नहीं आ रहा था। एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं थी, मौसम चेंज हो रहा है, हल्की सी सर्दी जुकाम का भी सीजन था, तो इसमें बचाव अभी ज्यादा जरूरी है, अभी तरह तरह की बीमारी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हम लोग कहीं बाहर निकल नहीं रहे थे, तो आज बड़ी खुशी की बात है कि भाई मेरा 5 लाख जो सब्सक्राइबर है पूरा हुआ ब्लॉग चैनल पे, आप सभी के प्यार और सपोर्ट से। बिल्कुल, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को ढेर सारी बधाई। आप में से अगर एक लोग भी नहीं होते तो हम लोग इस मुकाम तक नहीं पहुंचे होते, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और मोंटी ब्लॉग्स, आज झारखंड के बड़े अच्छे नामी ब्लॉगर हैं और कार ब्लॉग से रिलेटेड, यूज्ड कार से रिलेटेड ब्लॉग्स वीडियो बनाते हैं। हाँ, तो वो स्पेशली मुझे कंग्रेचुलेशन या बधाई देने के लिए, धन्यवाद देने के लिए पहुंच रहे हैं यहाँ पे। कुछ ब्लॉग वीडियो भी होगा हम लोगों के एक साथ, और कोलैबोरेशन कुछ वीडियो भी होंगे आगे, आपको आने वाले ब्लॉग में दिखेगा, हम लोग एक साथ कुछ ब्लॉग वीडियो शूट करेंगे। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बस स्टैंड से, मतलब कुछ दूरी पे हैं अभी हम लोग, पोस्ट ऑफिस चौक, गोपालगंज पोस्ट ऑफिस चौक है ये। आजकल बड़े शहर से कम हम लोग नहीं फील करते हैं गोपालगंज, यहाँ भी ट्रैफिक वैसे ही रहता है जो बड़े शहर में आपको मिलेगा। हम लोग अभी मास्क नहीं लगाते, ये मत सोचिए कि हम मास्क नहीं लगाते हैं, मास्क हम लोग अभी बस गाड़ी में सब है, तो हम लोग रखे हुए। बिल्कुल, अभी हम भी रखे हुए, इधर मास्क ही होगा। तो मास्क लगाइए आप लोग, और सोशल डिस्टेंसिंग, उसके साथ साथ हाथों को सैनिटाइज भी करते रहिए। ज्ञान के बारे में आप लोग जानते होंगे, रेडियो वर्षा में ये हमेशा, रेडियो वर्षा में आरजे हैं और रेडियो वर्षा में हमेशा ये बताते रहते हैं मास्क लगाने के बारे में। बिल्कुल, मैं कई सारा देखा हूँ आपका शो, और भैया से तो बहुत पहले से शुरू था, जब चैनल शुरू किया तो भैया तब भी पहला शायद इंटरव्यू शायद मेरा ही था भैया के चैनल। तो मेरा 25,000 सब्सक्राइबर था उस टाइम, अभी तो 5 लाख हो गया भैया का, तो बहुत जल्द पार्टी भी करने वाले हैं हम लोग। तो पहले तो मास्क हम लोग लगा लेते हैं। तो ये हमारे मोंटी भैया पहुंच गए हैं गोपालगंज की धरती पे, और बताइए पहले कैसा लग रहा है गोपालगंज आके? अभी तो आए हैं, उसके बाद फिर बताएंगे बाद में कैसा लग रहा है। हम लोगों को पता है कि आपको कैसा लग रहा होगा, रास्ते में बात करते हैं। बिल्कुल, और अब इनको लेके चलते हुए कार में। पहले कुछ खाना तो नहीं खाए होंगे? कुछ नहीं खाए। चलिए कुछ जी, रात में इसमें दिक्कत है ना, देख रहे हैं। बाकी अभी हम लोग गोपालगंज में बहुत जगह पे घूमे, और कल बाकी यहाँ का वीडियो शूट होगा। अभी हम लोग पहुँच गए हैं अपने ऑफिस में, और मोंटी भाई यहीं पे आज रात में रुकने वाले हैं हमारे साथ। काफ़ी सारे बातें होगी, काफ़ी सारे वीडियो भी हम लोग बनाने वाले हैं जो आगे आपको दिखेगा हमारे चैनल पे। फिलहाल चलते हैं ऊपर। देखिए, यूट्यूबर्स की लाइफ देख सकते हैं आप, बहुत दरास में पूरा दिन वीडियो शूट करने के बाद, ट्रेवल करने के बाद आके वीडियो एडिट करना भी होता है। लोगों को लगता है कि भाई यूट्यूबर बनना आसान है, एटीएम मशीन की तरह लोग सोचते हैं कि भाई यूट्यूबर बन के पैसे की बारिश होती है। मैं सुबह पटना से 9 बजे बस पकड़ा था, 3:30-4 बजे यहाँ पहुंचा हूँ। आधा घंटा हम लोग उसमें बात विचार किए, आधे घंटे में हम लोग वीडियो भी शूट कर लिए और यहाँ पे आए अभी जस्ट
सर के रूम में यहाँ रेस्ट कर रहे हैं और एडिटिंग भी कर लिया, थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा वीडियो। और अभी ये डिसाइड कर लेना होगा कि कल कौन सा वीडियो जाएगा और कल वीडियो कौन सा शूट होगा। तो एक यूट्यूबर का जो लाइफ होता है ना, पूरा डिप्रेशन में रहता है, कल के लिए सोचना पड़ता है कि कल हमें क्या करना है। अच्छा, रात में सारे डिवाइस चार्ज में लगाना भी होता है, एक पावर पूरा बोर्ड लेके चल रहे हैं। बाकी यूट्यूबर लोग कितना कमाते हैं हमसे पूछेगा, सब सुने हैं हम। ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे, मेन चैनल पे बताएंगे कि कैसे भाई आप यूट्यूबर कैसे बन सकते हैं, कैसे कम समय में मोंटी भाई ने कैसे ग्रो किया अपने मेन चैनल पे, मैं आपको दिखाऊंगा। कल वो वीडियो शूट करूंगा, अभिषेक गोस्वामी ब्लॉग्स चैनल पे आपको मिलेगा कि कैसे आप भी यूट्यूबर बनके पैसा कमा सकते हैं। हाँ, और हमारे चैनल पे जो अभी वीडियो आया है मोंटी ब्लॉग्स पे, वो कैसे यूट्यूब से इतना पैसा कमा करके इतनी महंगी कार खरीद रहे, तो हमारे चैनल पे देखने के लिए मिलेगा मोंटी ब्लॉग्स में। Okay. लगातार कई सारे वीडियो मिलने वाले हैं, चैनल बने रहिए। मोंटी भाई के चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। और मोंटी भाई के सब्सक्राइबर पता है कितने हैं? कितने हैं अभी? अभी नहीं बताएंगे। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देखिए, चौंक जाएंगे देख के। 2.6 मिलियन सब्सक्राइबर यानी 26 लाख सब्सक्राइबर है मोंटी भाई के चैनल पे। विजिट करें और ये भी बताएं कि भाई उसके नीचे लिखें कि अभिषेक गोस्वामी ब्लॉग्स परिवार की तरफ से हम विजिट कर रहे हैं, तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे भी। उधर के फैमिली इधर आए। जी बिल्कुल, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, मिलते हैं बहुत जल्द हमारे इंटरव्यू के साथ इनके चैनल पे। जी, तो वेट करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके जरूर से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि क्या होगा जैसे ही अपडेट आए आपको पता चल जाएगा किसका यूट्यूबर का कितना इनकम है, कितना कम है, ये सारा पता चलेगा। तब तक लिए बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय बिहार, जय झारखंड, जय झारखंड, जय हो।